हेलो एवरीवन बहुत तेज़ी से स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यू पी लॉजी पर दिस इज मी राहुल और जैसा कि आपको बताया आज के दिन पबेड ऑप्शनल का कोई करंट अफेयर वीडियो बेस्ड ऑन द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस नहीं आया है तो जो भी रेलिवेंट आर्टिकल्स थे वो यहाँ पर आज नहीं थे तो कल उस आर्टिकल्स को जो भी हिंदू में या हिंदुस्तान टाइम्स या कहीं और होंगे तो वी विल कवर इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो जहाँ पर हम देखेंगे ऐसे जो आज पूछे गए यानी कि सिक्सटीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू को तो आपकी स्क्रीन पर आठ आठ टॉपिक्स हैं यू कैन जस्ट रीड इट आउट एंड मैं यहां पर दो एसेज का अप्रोच बताऊंगा ब्रॉड ओवरव्यू और यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होता है एसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो बट द द कंडीशन इज के रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लो जो है वो बना रहना चाहिए ठीक है सरकारें आए जाएँ कोई दिक्कत नहीं है बस फ्लो बना रहना चाहिए सो सेम थिंग अप्लाइज हेयर फोर्थ नंबर और सेवेंथ नंबर वी विल ट्राई टू कवर इट ओवर हेयर ठीक है तो सब पहला टॉपिक है बाकी आप पढ़ सकते हो इसमें मैं रीड करके आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा टॉपिक इज दिस शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट द नॉट वॉट शिप इज़ फॉर और हिंदी में पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा जहाज़ बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह तो इसके लिए तो वह होता ही नहीं है यानी कि जैसे गैरेज गैरेज के अंदर गाड़ी जो है वो सुरक्षित रहती है लेकिन उसके लिए तो वो होती ही नहीं है ठीक है यानी कि उसका काम तो गाड़ी का क्या है ट्रैवल करना लेकिन अब ये थोड़ी ना कि सुरक्षित रहती है तो सुरक्षित बने रहो ठीक तो इसको समझने के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स ओवर एक तो शिप इन हार्बर और बट दैट इज नॉट नॉट द मतलब पर्पस नहीं है उसका तो पर्पस एक तो पॉइंट हो गया कि भाई पर्पस की बात हो रही है और शिफ uh, जो सेफ्टी है उसकी बात हो रही है कि सेफ्टी है लेकिन दूसरी तरफ पर्पज़ उसका दूसरा है तो सेफ्टी वर्सेस पर्पज़ है ना तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में 400 एक्सीडेंट रोज होते हैं एज़ पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ यू कैन से एन वगैरह तो 400 एक्सीडेंट रोज एक्सीडेंट तो थाउजेंड होते हैं 400 डेथ रोज होती हैं इंडिया में तो फिर भी लोग ट्रैवल करते हैं ना सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को समझिए दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए लाइक फॉर मी वैन आई रीड दिस थिंग कि यहाँ पे जैसे ये शिप इन हार्बर एंड एंड सिप इज नॉट फॉर दैट परपज़ ठ ठ ठ ठ ठीक तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंपल सी स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में यू कैन टॉक अबाउट कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लाइक महाभारत में जो अर्जुन थे वो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ गए थे कि सामने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके कोई गुरु थे कोई भाई थे कोई दोस्त थे और कोई वहाँ पे मतलब टीचर वगैरह और ग्रैंडफादर फादर बहुत सारे रिलेटिव्स थे तो वो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ गए थे तो भगवान कृष्ण ने उनको क्या बताया था कि योर पर्पज़ इज़ इज़ टू एस्टेब्लिश धर्मा पर्पज़ की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हाउ वाई यू आर मेड अप ऑफ है ना तो आप क्यों बनाए गए हो है ना जैसे शिप क्यों बनाएगा ट्रेवल करने के लिए ऐसे किसी इंडिविजुअल क्यों बनाएगा उसका जो पर्पज ऑफ लाइफ है है ना तो पर्पज़ ऑफ़ लाइफ या उस टाइम पे पर्पज़ क्या है धर्म को एस्टैब्लिश करना ठीक है तो सेफ्टी की तरफ नहीं जाओगे कि अगर मैं इस युद्ध को छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा कि भाई लड़ाई बच जाएगी लड़ाई बच जाएगी तो लोगों की जानें बच जाएंगी है ना सेफ्टी हो जाएगी या हार्बर में खड़े रहेंगे साइड हो जाएंगे तो पर्पज़ अल्टीमेट इज़ द अल्टीमेटली द थिंग इज़ पर्पज़ तो आप जो इंट्रो है वहाँ यू कैन यू कैन राइट लाइक दिस एक और अप्रोच हो सकता है इंट्रो राइट करने का कि आप किसी एक दो एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करो और एक एग्जाम्पल में आप ऐसा एग्जाम्पल दो कि जिसने पर्पस को या जिसने अपने पर्पस को सेफ्टी के ऊपर रखा और दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल और दे दो जहाँ पे किसी व्यक्ति ने किसी केस स्टडी में किसी एनेकडोट में सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान दिया और उस चक्कर में सिर्फ सेफ्टी पर ध्यान रह गया है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक जब कोई कोई इशू है हेल्थ इशू है ना या पेंडेमिक टाइप की सिचुएशन आती हैं या कुछ ऐसा आता है जब लोग अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं कि सेफ्टी और ये सब चीजें तो ऐसे लोगों को दूसरी परेशानी ज्यादा हो जाती है कि जैसे मान लो कोविड का पैंडमिक आए तो आप इमेजनरी एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई अगर कोई ज्यादा सेफ्टी पे फोकस मान लो कोई शर्मा जी हैं वर्मा जी हैं ठीक है Uh, कोई भी नाम है एक्स वाई जेड तो अगर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया अपनी सेफ्टी पर तो सेफ्टी परपस नहीं है ना परपस तो है कि ये सोशल एनिमल है ह्यूमन तो सेफ्टी के चक्कर में हो सकता है उन्हें डिप्रेशन हो गया है ना क्योंकि इंडिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन है uh, हर वन में से आउट ऑफ सिक्स एक पर्सन कैसा स्ट्रेस में है एज पर डब्ल्यू एच ओ वगैरह की जो रिपोर्ट आती हैं यू एन डब्ल्यू एच ओ जो भी है ठीक है फैक्ट में मत जाओ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो डिप्रेस्ड हो गए कोविड के टाइम पे तो कोविड तो नहीं हुआ लेकिन डिप्रेशन हो गया तो ये है कि पर्पज जो है वो अलग है और सेफ्टी इज़ नॉट द अल्टीमेट पर्पस ऐसा कुछ कह सकते हो या पर्पस से डायवर्जन जो है वो नहीं होना चाहिए तो बेसिक इंट्रो क्या है कि यू कैन राइट अबाउट अर्जुन ऑफ महाभारत कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि दैट इज़ द अल्टीमेट योर पर्पज़ इज डिफरेंट सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द डेथ्स ठीक है जैसे यहां सेफ्टी की बात हो रही है ऐसी वो भी एक सेफ्टी की बात कर रहे हैं सो उसकी बात मत करो ऐसा वहां पे उन्होंने बोला ठीक है इंट्रो में इस तरीके का कुछ भी लिख सकते हो आई एम नॉट सेइंग कि यही लिखना है अगर कुछ और लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो एंड देन शेप ऑफ हार्बर तो आप अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे आप बात कर सकते हो कि कोई अगर पैरट किसी गोल्डन केज में भी है तो अल्टीमेट द पर्पज ऑफ के पैरट या कोई बर्ड है उसका अल्टीमेट या वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होता है पर्पज़ क्या होता है कि वो फ्रीडम में रहे उड़े है ना अब पंछी है तो आसमान में ही उड़ेगा तभी उसका पंछी होने का कोई मतलब है है ना सो दैट्स आउ द थिंग्स आर पैरट है भले ही गोल्डन केज में है तो लेकिन वो उसका पर्पज नहीं है यू कैन राइट दिस अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी लिख सकते हो कि भाई जैसे कोविड नाइन्टीन आया तो लोगों को घर में बंद रहना पड़ा लॉकडाउन के टाइम पर है ना सो दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर तो लेकिन क्या है कि पर्पज़ नहीं है वो ना पर्पज़ ही थोड़ी ना कि घर में बैठे रहो पर्पज़ इज़ लाइक उनकी नीड्स हैं नीड्स लाइक सोशल नीड सेल्फ एस्टीम नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अब्राहम मेसलो ने जो नीड हरार की दी थी तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो आप ये भी बोल सकते हो लाइक ग्लोबलाइजेशन जैसे होता है तो ग्लोबलाइजेशन या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हैं लाइक एफ़ टी एज जो होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो वो साइन होते हैं वो साइन क्यों होते हैं लाइक like उनका जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेफ्टी सेफ़्टी तो ऐसे भी हो सकती है कि ट्रेड प्रोटेक्शनलिज्म किया जाए कि भाई हम किसी को नहीं आने देंगे इंडिया है तो कंट्री लेकिन हम किसी से बाहर मतलब नहीं रखेंगे ऐसा कर सकते हैं ना कि हम किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो छोड़ो हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे किसी के गुड्स को ऐसा कुछ बैन लगा दें है ना टेरिफ़ नॉन टेरिफ बैरियर लगा दें तो सेफ्टी उससे हो जाएगी ना हमारे यहाँ के जो लोग हैं हमारे जो रिटेलर्स हैं या जो आ, इंडिजीनस जो भी चीज़ें चलती हैं छोटे उद्योग हैं एम एस है, उनका भला हो जाएगा ना लेकिन पर्पस वो नहीं है पर्पस क्या है बिगर पर्पस है ना यूटिलिटेरियनिज्म है ना किसका यूटिलिटेरियन ये जो ये कौन सी वाली थेरी है डिओंटो जो आपकी जो नॉट डिओंटोलॉजिकल टेलियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर जो एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ गुड्स की बात होती है, है ना जो गुड है वो हो पेन पेन को मिनिमाइज करो प्लेजर को मैक्सिमाइज करो तो उस चक्कर में क्या होता है पर्पज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन या पर्पज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एट द ब्रॉडर लेवल लाइक ग्लोबलाइजेशन एफ वो क्यों करते हो सेफ़्टी छोटा पर्पज़ है कि भाई छोटे कुछ लोग बच जाएँ एम एस एम ई बच जाए वो छोटा चीज़ है बड़ी चीज़ क्या है मैक्सिमाइजेशन ऑफ़ गुड क्या है वो चीज़ वो चीज़ है कि जब एम एनसीज आएँगी तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से देखोगे चॉइस बढ़ेंगी और कॉम्पिटिशन जब बढ़ेगा तो फिर वहां पर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा जो छोटे मोटे जो नहीं अच्छे से काम करेगा वो डिस्ट्र डिस्ट, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जो कंपनीज जो अच्छे से काम करेंगी एफिशेंटली करेंगी वो बड़ी होती जाएंगी लोगों के सामने अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो इस तरीके से क्या होगा ओवरऑल वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा चॉइसेस बढ़ेंगी तो कैपेबिलिटी अप्रोच में सेन ने यही तो बोला है कि फ्रीडम जो है वो क्या है कि आपके पास चॉइसेस हैं फ्रीडम का मतलब यही होता है चॉइसेस हैं आपके पास लाइक like, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो अच्छी जगह पढ़ सकते हो तो आपके पास चॉइसेस हैं यानी कि आपके पास फ्रीडम है अगर आपके पास चॉइसेस ही नहीं है तो आपके पास फ्रीडम ही नहीं है तो इस तरीके से रिलेट करते हुए समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है छोटे लेवल पर देखोगे तो सेफ्टी के चक्कर में आप बड़े गोल को नहीं छोड़ सकते बड़ा गोल क्या है जो बड़ा बड़ा जब यूटिलिटेरियनिज्म कैसे होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ गुड कैसे होगा मैंने अभी आपको बता दिया तो ये ग्लोबलाइजेशन का हो गया तो पैरड बता दिया ग्लोबलाइजेशन बता दिया कोविड नाइन्टीन बता दिया इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट आपका होगा ये कैसे देखो एक पॉइंट में ये भी कह सकते हो ये मैं पैराग्राफ बता रहा हूँ अलग अलग आप कुछ और भी लिख सकते हो बट अल्टीमेट थीम जो है वो इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो ठीक है एटलीस्ट मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि भैया वीमेन एम्पावरमेंट वीमेन एम्पावरमेंट में कैसे ये हेल्प करता है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले मान लो ये पर्दा सिस्टम और ये सब चलता था ठीक सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर तो ये क्या है सेफ्टी तो अगर वीमेन की सेफ्टी के परस्पेक्टिव से देखो या उस टाइम पे जो सोचा जाता था या आज भी जो सोचा जाता है लाइक होम हाउस वाइफ होम मेकर ये वाली जो कॉन्सेप्ट चलते हैं उससे क्या होता है वीमेन सेफ्टी ठीक है चल रहा है जो भी है बट या पर्दा सिस्टम क्यों था इसीलिए तो था सेफ्टी बनी रहे वीमेन की है ना और भी रीजन थे बट यस वन ऑफ द रीजन इज सेफ्टी एंड ऑल तो अब क्या है ये छोटा है छोटी चीज है लाइक सिप है सेफ्टी की ऊपर ध्यान दे रहे हो लेकिन शिप का पर्पस क्या है ट्रैवल करना है ऐसे वीमेन है अगर वीमेन को इतना सेफ्टी और इस परस्पेक्टिव से सोच के उनको घर में रहना चाहिए पर्दा सिस्टम वगैरह वगैरह तो क्या बड़ा गोल मिस हो रहा है बड़ा गोल क्या है अल्टीमेट पर्पस क्या है उस चीज का इस या वीमेन का पर विमेन का एक कह सकते हो बिगर मतलब जब भी जो सुपर पावर है गॉड गॉड में जो भी हैं ना भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी हैं तो जब उन्होंने बनाया था तो ये सोच के थोड़ी ना बनाया था कि सेफ्टी के लिए बना रहे हैं बनाया था कि कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे है ना इक्वल परस्पेक्ट टिव से क्रिएट किया गया था मैन वीमैन को ये तो हमने यहां पे कर लिया कि चलो ठीक है पर्दा सिस्टम एंड ऑल तो दूसरी तरफ क्या है बिगर गोल बिगर गोल क्या है जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह बोलते हैं कि अगर इंडिया में या किसी इंडिया की स्पेसिफिकली वहां पे रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया था कि जीडीपी जो है वो बहुत टाइम्स बहुत परसेंट बढ़ जाएगी कितना परसेंट बढ़ जाएगी वो मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे याद नहीं है इफ़ आई एम राइट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद ट्वेंटी ऐसा कुछ था तो फैक्ट में मत जाओ बस उन्होंने ये बोला था आई वर्ल्ड बैंक ने अगर इंडिया में जो जेंडर गैप है वो मतलब जॉब जो, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अगर उसमें वीमेन और मैन बराबर हो जाए तो जी बहुत सारे टाइम्स बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के भी थे ये चीज़ के किसी भी कंट्री का जो मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट है वो मैं ऐसे करता हूँ कि वीमेन कितना वहाँ पे आगे हैं ठीक है तो पर्पस अल्टीमेट क्या है वो है है ना ऐसा नहीं कि सेफ से, सेफ्टी के नाम पे पर्दा सिस्टम ला दिया या कुछ और ऐसे सिस्टम ला दिए जहाँ पे बाहर नहीं जाने दिया जाता कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर लगा दिए गए तो दैट थिंग इज देयर एंड यू नीड टू काउंटर दैट थिंग लाइक दिस आई होप यू आर गेटिंग कि एक पॉइंट वीमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है पाँचवा पॉइंट और लिखना चाहो तो देन यू कैन टॉक अबाउट इसरो इसरो की बात कर सकते हो इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो इसरो को ऊपर लिख सकते हो ग्लोबलाइजेशन बाद में या कुछ भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसरो की एक पैराग्राफ में बात कर दो है ना इसरो की बात कैसे करोगे कि भाई मार्स जब ऑर्बिटर मिशन अगर आपने ये मंगलयान वगैरह वाली मूवी देखी है देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि देखो उसके पहले ये सोचा जाता था या एक पॉइंट ऑफ व्यू इसरो में ये चल रहा था या इसरो के जो प्रोजेक्ट थे उसके अगेंस्ट ये चल रहा था कि क्यों ही भेजना है बाहर क्यों ही अपना मिशन भेजना है नासा भेज रहा है अमेरिका वाला उसका डेटा लो कॉपी पेस्ट करो या मतलब उस डेटा को लो उस पर रिसर्च करेंगे हम हम क्योंकि साइंटिस्ट हैं तो फिर किसी दूसरे परस्पेक्टिव में ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद है ये जो भी था ठीक है कॉन्टेक्स्ट उस पर मत जाओगे एग्जैक्ट क्या हुआ था बिकॉज एग्जैक्ट चीज़ें लिखोगे तो ऐसे नहीं लिख पाओगे ट्राई टू राइट जनरल तो वहाँ पर क्या हुआ था कि नहीं, मतलब इस तरीके से उसको रिएक्ट या उसके काउंटर में एक पॉइंट आया था कि साइंटिस्ट होने का फ़ायदा ही गया है जब दूसरों की कॉपी चीज़ें लेके कॉपी पेस्ट करनी हो या उससे रिसर्च करनी हो साइंटिस्ट का तो मतलब ही ये होता है कि कैसे हम पहुंचाएं अपना प्रोजेक्ट और मार्स ऑर्बिटर मिशन इंडिया का जो रेशियो है सक्सेस रेशियो वो पूरा है मतलब हंड्रेड ठीक है एक ही बार ट्राई किया पहुंच गया इतना अच्छा और किसी कंट्री का नहीं है एक ही बार में पूरा और पूरा इंडिजीनस तो वो चीज़ है कि खुद भेजा अब क्या है अब ये चीज़ उस परस्पेक्टिव से देखो कि शिप का काम जो है वो काम उसे करना चाहिए ट्रेवल करना काम है तो वही उसे करना चाहिए सेफ्टी के चक्कर में हार्बर में नहीं खड़ा रहना है ऐसे ही इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी साइंटिस्ट होते हैं साइंटिस्ट का काम होता है साइंस मतलब जैसे आप अभी रिसेंटली पंद्रह सेप्टेम्बर को जो इंजीनियर्स डे में जो विश्व सरैया जी का बर्थडे निकला तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि साइंस साइंस में हम चीजों को जानते हैं और इंजीनियरिंग में करते हैं तो वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे साइंटिस्ट को भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सिर्फ जानने की चक्कर में नहीं रहे उसको एक्सप्लोर करने के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया उसको उसमें सक्सेसफुल रहे तो सेफ्टी के चक्कर में ऐसा नहीं है जैसे पैसों की सेफ्टी यहां ऐसा नहीं कि अगर इसरो तो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट होते हैं पहले ये भी डिबेट चलती थी कि क्यों ही करना है खर्चा हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं क्यों करना है बड़े कंट्रीज को करने दो क्यों करना है इतना तो वो सेफ्टी के चक्कर में ऐसा नहीं हुआ कि इसरो ने काम करना छोड़ दिया या वो चीज मिशन भेजना छोड़ दिया अभी भी किए जाते हैं बिकॉज पर्पज क्या है पर्पस अगर कोई जैसे कोई शिप है उसका पर्पस ट्रैवल कराना है ऐसे ही इसरो का पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च और ये सब चीज़ें करना ठीक है सो देट्स आउ द थिंग्स आर एंड देन पांच पॉइंट हो गए छः पॉइंट छठवां पॉइंट एक चीज़ और लिख सकते हो इंडियन आर्मी की बात कर सकते हो है ना इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी भी ऐसा अब ऐसा नहीं है कि सेफ्टी की वजह से यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेफ्टी की वजह से ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वीर जवान हैं वो सेफ्टी की वजह से कोई मतलब करीजियस निर्णय ना लें ऐसा नहीं होता है ठीक है जैसे सर्जिकल उरी उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी है ना उरी अटैक के बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप में वो चीज़ बताता है कि जिसका जो पर्पज़ है ऐसा नहीं है कि छोटे लेवल पे चीजों को देखा कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते या सेफ्टी एंड ऑल लेकिन अगर करेज के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इंडियन एग, इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो ठीक है क्योंकि फर्ज और फर्जी में सिर्फ एक मानत्रा का अंतर होता है तो इस तरीके से आप जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग भाई परपज अल्टीमेटली इट इज टॉकिंग अबाउट परपज वर्सेज सेफ्टी ठीक सो आई होप यू आर गेटिंग इस तरीके से और कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी इस तरीके से आप इंटरप्रेट interpret, मेरा इंटरप्रिटेशन जो है उसके बेसिस जो यहां पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे बन रहे थे वो मैंने ट्राई किया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट ये तो हो गए पांच छह पैराग्राफ इस चीज के कि भाई शिप इन हार्बर इज सेफ सेफ है लेकिन वो उसका पर्पज नहीं है अब आप दूसरे लेवल पे जा सकते हो दैट uh, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नॉट दैट इज नॉट वॉट सिप इज फॉर ठीक है तो वॉट इज फॉर वॉट सिप इज फॉर शिप क्यों है तो वो चीज है वो अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट द पर्पज जैसे अगर शिप यहाँ पे इंडिविजुअल है तो जैसे मैं अभी हर एग्जाम्पल में बता रहा था कि वो पर्पज़ उसका अलग है तो उस चीज़ की बात होगी कि है क्या वो पर्पज़ तो अगर इंडिविजुअल यहाँ पे हम इसको छोटा करके जैसे यहाँ पे हम इलेबोरेट कर रहे थे यहाँ इसको छोटा करके कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल अगर कोई इंडिविजुअल है उसका पर्पज़ क्या है है ना या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस क्या है जो पर्पस है वो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कुछ और दिख रहा है तो आप उस हिसाब से भी सोच सकते हो तो पर्पस क्या है जैसे फॉर इंडिविजुअल इंडिविजुअल का पर्पस क्या है तो फिर आप यहाँ पे कुछ फिलोसॉफिकल भी कोट कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे द आर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाई स बाई दलाई लामा जी तो उन्होंने उसमें बात बोली है कि पर्पज़ ऑफ़ लाइफ इज हैप्पीनेस क्योंकि जो व्यक्ति हैप्पी होगा वो मतलब द पर्सन हु इज हैप्पी वो हेल्पफुल भी होगा वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस लेवल भी उसके अंदर होगा वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होगा और वर्ल्ड जो है वो बेटर प्लेस टू लिव बनेगी ये पर्पज़ ऑफ़ लाइफ हो सकता है ऐसे ही ये चीज़ तो होगी इंडिविजुअल लेवल पर कि भाई हैप्पीनेस कोई भी चीज करता है यहाँ पर एक चीज़ और रिलेट कर सकते हो कि जो म्यूजिक जिसमें जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो म्यूजिक जब बनाएगा तभी उसकी लाइफ का पर्पज़ पूरा होगा अगर वो कुछ और करने लगेगा तो उसकी लाइफ का पर्पज़ नहीं हो पाएगा तो फिर वो अच्छा भी नहीं कर पाएगा अगर सचिन दुलकर क्रिकेट की बजाय फुटबॉल खेल रहे होते तो वो चीज नहीं होती और माइंद सिंह धोनी अगर वो फुटबॉल में जाना चाहते थे फुटबॉल में चले जाते तो क्रिकेट में हमें इतना अच्छा क्रिकेटर या इतना अच्छा कैप्टन जो जिस नाम से उनको जिस एम कैप्टन कूल तो उस तरीके से नहीं मिल पाते तो इसलिए जो पर्पज ऑफ लाइफ है हैप्पीनेस है या एक कह सकते हो लाइफ ऑफ पर्पज इज द पर्पज ऑफ लाइफ कि कुछ भी पर्पज हो बट अल्टीमेटली पर्पज होना चाहिए क्योंकि एक एक ये भी चीज है कि अगर बहुत सारे रास्ते हैं अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो रास्ते कुछ भी ले लो कोई फायदा नहीं है क्योंकि कहीं पहुंचोगे ही नहीं क्योंकि कहीं पहुंचना ही नहीं है सो so, इस इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि हमने अभी इसरो की बात की हमने अलग अलग हमने आर्मी की बात की ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हमने बात की थी जैसे इंडिविजुअल लेवल पर पर्पज ऑफ लाइफ वो चीज हो गई जो मैंने हैप्पीनेस बताया या फिर सर्विस टू मैन काइंड इज द अल्टीमेट पर्पज एज पर विवेकानंद तो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड इस तरीके से उन्होंने बोला था और जैसे महात्मा गांधी ने बोला था द बेस्ट

जैसे वीमेन एम्पावरमेंट या कुछ इस तरीके से कोविड नाइन्टीन का जो एग्जाम्पल था उसमें उसको रिलेट कर सकते हो देन एक तो इंडिविजुअल हो गया ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी पर्पज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी अगर टेक्निकली भी देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पज़ होता है जैसे इसरो का क्या है कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्च करना रिसर्च करना डेवलपमेंट ये सब चीज़ें आर्मी का क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो अब क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कुछ पर्पस होता है और वो पर्पस के बेसिस पर हम उसे जज करेंगे ना कि वो सेफ्टी एंड ऑल के बेसिस पर ठीक अल्टीमेट जो बिगर ऑब्जेक्टिव है वो ये है तो इस तरीके से कह सकते हो और इस तरीके से इसको एनालाइज़ कर सकते हो कि पर्पज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक सो दिस इज़ देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप और भी कुछ एग्जाम्पल इधर उधर कोट कर सकते हो जैसे जो राम थे वो चाहते तो अपने घर पे कोचिंग लगवा लेते लेकिन वो गुरुकुल गए थे है ना तो इस तरीके से क्योंकि अल्टीमेटली जैसे स्टूडेंट है तो उसको अपना घर छोड़ के अपनी सेफ्टी क्योंकि सबसे बड़ी सेफ्टी क्या होती है बच्चों की लाइफ में उनके पेरेंट्स लेकिन उनको छोड़कर वो हॉस्टल जाते हैं तो ये बताता है कि छोटा जो सेफ्टी है दैट इज़ स्मॉल बट यहाँ पे अब यहाँ पे लिटरल सेफ्टी की बात कर सकते हो लिटरल सेफ्टी की बात करते हुए तीसरा जो मेन हेडिंग है या कुछ तरीके से तो लिटरल जब सेफ्टी की बात करोगे तो यू कैन टॉक अबाउट कि भाई एजुकेशन में जैसे बच्चे घर छोड़ते हैं देन हॉस्टल जाते हैं तो बिकॉज अल्टीमेटली वो जो बड़ी चीज़ है मतलब एडवर्सिटी से लड़ना लाइफ के गोल्स को लाइफ की जो चीज़ें उनको एक्सपीरियंस करना वो चीज़ होती है ऐसे ही लिटरल सेंस में सेफ्टी की बात करते हुए लाइक like, बिजनेस में रिस्क वगैरह लेना पड़ता है ताकि आ, मतलब कुछ कर सकें तो रिस्क है तो इसके तो तो इस तरीके की जो चीजें हैं तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आप लास्ट में देखो हमेशा ऐसे में क्या होता है ये तो लिखते लिखते आप पूरा ठीक है कहानी लिख दोगे कि ये चीज़ एनालाइज़ कर ली ये चीज़ एनालाइज कर ली लिटरल सेंस में दोनों को बता दिया नाउ द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट व्हाट यू नीड टू डू बिफोर जस्ट बिफोर कंक्लूजन आप यहाँ पे क्या करोगे ट्राई टू गिव डायमेंशन जो एग्जामिनर एकदम से एकदम अलग सी डायमेंशन जो ऐसे में नहीं है लेकिन इससे कुछ और ये उसका सोर्स बने और कुछ और ही दुनिया में आप पहुंचा दो इसको बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना है लेकिन जस्ट ट्राई टू रिलेट द थिंग्स लाइक दिस जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि सेफ्टी जो है द शिप इन हार्बर इज सेफ एंड बट दैट बस उसका पर्पज ये नहीं है सेफ्टी उसका पर्पज नहीं है बट यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग द पर्पज है ना सेफ्टी और पर्पज अभी तो हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं सेफ्टी तो हमें चाहिए ही नहीं है हमें तो पर्पज़ चाहिए तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो सेफ्टी नहीं है वो है ठीक है बिगर ऑब्जेक्टिव इज योर पर्पस के ट्रैवल अगर उसका पर्पस है या किसी भी चीज़ का जो भी पर्पस है बट यहाँ पे अगर एक चीज़ ऐसे रिलेट करो या ऐसे एक चीज़ को एलेबोरेट कर दो कि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस जैसे शिप भी अगर खड़ा हुआ है अगर शिप जो है अगर पूरे दिन ट्रैवल करेगा तो कहीं तो हार्बर चाहिए तो हार्बर की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है ऐसा करके एक नई डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है ना ये कंट्राडिक्टरी लिखी है कि भाई सेफ्टी सेफ्टी वर्सेस पर्पस ऐसा कुछ अभी तक हम इलेबोरेट करते आ रहे हैं अगर आप पूरा ये डिस्कशन ध्यान से सुने लेकिन अब इसको कहो कि सेफ्टी जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है ठीक है उसको सपोर्ट करती है सेफ्टी सपोर्ट करती है पर्पस को तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे एक फैमिली होती है तो so फैमिली जो है अभी हमने पूरा ज्ञान पढ़ लिया कि भाई पर्पस ऑफ़ लाइफ इज द लाइफ ऑफ पर्पस जो भी है हैप्पीनेस होनी चाहिए वगैरह वगैरह है ना स्वामी विवेकानंद से लेके गांधी से लेके दलाई लामा सब कुछ पढ़ लिया लेकिन ये चीज़ समझो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं यू कैन यूज़ द लाइक फैमिली पहला पॉइंट लिख दो फैमिली फैमिली जो होती है जो आपका परिवार होता है वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है ताकि आप पर्पस को अचीव कर पाओ या कह सकते हो जैसे एथिक्स में पढ़ते हो फैमिली इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन तो आपकी लाइफ के क्या पर्पस है उसमें कहीं ना कहीं फैमिली का भी इन्फ्लुएंस होता है प्लस पर्पस छोड़ दो नॉर्मल मतलब पर्पस तो एक हो गया कि प्लस में हंड्रेड चले गए लेकिन नॉर्मल जीरो में रहो नेगेटिव भी ना चले जाओ उसमें भी फैमिली का एक रोल होता है समझ रहे हो कि मतलब फैमिली नहीं होती तो जुबेनाइल डेलिक्वेंसी हो जाती है जो भी जुबेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह ये न्यूज़ चलती रहती है तो वहां पर ये एक रीज़न है कि जो भी जुबेनाइल जब कोई क्राइम करते हैं उसका रीज़न ये नहीं होता है कि वो क्रिमिनल हैं वो क्योंकि लव केयर और सेफ्टी नहीं मिली फैमिली वाली फैमिली वाला केयर लव सपोर्ट इसलिए वो क्रिमिनल हो जाते हैं तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये एक चीज़ हाउ सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट सो यू कैन योर जैसे ये 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 नाव वाला ये शिप वाला शिप केस है है सेफ्टी नहीं होगी तो पर्पस से मिलेगा है ना सेफ्टी ही नहीं है तो नाव पूरे दिन थोड़ी ना उसमें चलती रहेगी हार्बर कुछ तो चाहिए ना रेस्ट करने के लिए या फ्यूल वगैरह को वैसा, उसमें डालने के लिए सेम गोज विध दिस थिंग इंडिविजुअल की लाइफ में फैमिली का एग्जांपल लिख सकते हो इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ कैसे काम करती है इंडिविजुअल तो चलो कवर हो गए ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इवन इंडिविजुअल तो यहाँ पे क्या है सेफ्टी और ये सेफ्टी का एक बड़ा एक भाई है रिस्क है ना सेफ्टी वर्सेस रिस्क तो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है ताकि हम सेफ़ रहें है ना तो सेफ्टी तो अभी ठीक है कोई चीज़ सेफ्टी है लेकिन फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव से देखोगे तो रिस्क को मिनिमाइज़ करोगे उसी को सेफ्टी बोलते हैं तो आप यहाँ पर ये चीज़ भी लिख सकते हो कि कैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं इंश्योरेंस क्यों ली जाती है इंश्योरेंस अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं क्यों लिए जाते हैं ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और जब किसी की सेफ्टी होती है तो वो अपने पर्पस पे ज्यादा फोकस कर पाएगा उसे ये चिंता नहीं होगी कि, कि कुछ मुझे हो जाए या कोई गाड़ी है तो गाड़ी में कुछ हो जाए या कुछ भी ऐसा उसकी जो छोटी छोटी ये सेफ्टी वाली कंसर्नस हैं उसको इंश्योरेंस दूर कर देती है तो अगेन वो चीज़ पर्पज में एक क्या करती है ऐसा नहीं कि है कि अपोजिट है कि भाई सेफ्टी पे ध्यान दोगे तो पर्पज डूब जाएगा तो ऐसा नहीं है इस तरीके से आप इलेबोरेट करके समझ सकते हो तीसरा पॉइंट है कि भाई नेशन जैसे इंडिया यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया ऑर्गेनाइजेशन हो गया नेशनल परस्पेक्टिव से जैसे इंडिया है तो इंडिया वेपन वगैरह का इंपोर्ट वगैरह हम लोग करते हैं वेपन इंपोर्ट करते हैं है ना बहुत ज़्यादा करते हैं वो वो भी आपको पता है तो ये चीज़ें भी हैं अब जैसे नेशन का कुछ पर्पस है नेशन का पर्सपज क्या है पांच प्राण जो अभी पांच प्राण या पांच प्राण जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पर बोले थे तो वहाँ पर क्या था इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनानी है ये सारे पर्पज़ थे पर्पज या जो नेशन के गोल थे आगे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के बाद जो अमृतकाल चल रहा है तो अगर उस पर ध्यान देना है पर ध्यान देना है तो सेफ्टी ऐसा नहीं है कि अपोजिट है तो सेफ्टी वहां पे भी जरूरी है सो दैट्स हाउ वहां पे आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ इंपोर्ट वेपन हम क्यों करते हैं हमें डेवलप करना है हमें बहुत सारा आजादी का अमृत काल भी मनाना है लेकिन व्यापन की एंट्री भी धमाके से धमाकेदार तरीके से होती जा रही है कंट्री में ठीक है इम्पोर्ट भी हो रहा है इंडिजीनस बेसिस पर भी हो रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है नेश वो सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेफ्टी एंड दिस परपजस गो हैंड इन हैंड ठीक इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो और इस तरीके से आप अल्टीमेटली एंड में उसको कुछ लिख कर कंक्लूड कर सकते हो लाइक फॉर कंक्लूडिंग दिस यू कैन टॉक अबाउट द पर्पज ऑफ़ लाइफ वगैरह ठीक है पर्पज़ ऑफ़ लाइफ को यूज़ कर सकते हो या महात्मा गांधी को कंक्लूड कर यूज़ कर सकते हो लाइक like जैसे हमने अभी देखा था कि सेफ्टी और चक्कर में क्या होता है एक डिस्ट्रैक्शन वगैरह आ जाता है तो मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है जो सेफ्टी क्या है कि हम सेफ्टी अगर शिप कोई सेफ्टी के चक्कर में पड़ी हो या इंसान सेफ्टी के चक्कर में पड़ा हो ज़्यादा और तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से भटकेगा है ना तो यही चीज़ है कि लाइफ बिगिन एक कोट है कि लाइफ तब बिगिन होती है लाइफ बिगेन्स एट द मोमेंट वेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन तो कंफर्ट जोन आपने सुना होगा उससे बाहर आओ तो कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो अपने आप पर्पज़ की तरफ जा पाओगे अगर कंफर्ट जोन सेफ्टी के चक्कर में रहोगे तो फिर जैसे रोड एक्सीडेंट होते हैं चाहे एक लाख जो भी है चार चार सौ डेथ और एक हज़ार एक्सीडेंट्स पर डे इंडिया में तो अगर वो सोच के रोड पे निकलना छोड़ दोगे तो तो फिर हो गया तो इस वजह से कंफर्ट जोन से बाहर आओ है ना महात्मा गांधी जी ने भी बोला था आराम आराम है है ना तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो कि पर्पस ऑफ़ लाइफ लाइफ ऑफ पर्पस तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट जो मेन पर्पस है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है किसी भी चीज़ का है ना इस तरीके से आप लाइफ पर अप्लाई करके आ, इस वर्ड को अच्छा जगह बनानी है रहने के लिए वगैरह वगैरह और जैसे यहाँ पे रिलेट कर सकते हो जैसे शिप जो होता है उसका पर्पस ट्रैवल होता है ठीक है और ट्रांसपोर्ट होता है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही पर्पज ऑफ लाइफ इज लाइफ ऑफ पर्पज तो ये चीज़ होती है और जैसे विदाउट जैसे शिप का कोई डेस्टिनेशन लास्ट में ये एनोलॉजी बना सकते हो जैसे शिप का कोई डेस्टिनेशन होता है तो विदाउट डेस्टिनेशन वैसे ही लाइफ में एक डेस्टिनेशन होता है अगर बिना डेस्टिनेशन के जो सभी रोड गलत जगह पे ही जाएंगे क्योंकि डेस्टिनेशन ही नहीं पता वो सब वेस्ट हैं फिर रोड्स ऐसे ही जैसे शिप जब जाता है तो बहुत सारे पायरेट्स पायरेट्स ऑफ कैरेबियन हैशटैग है ना तो जस्ट लाइक शिप जो पायरेट्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं एंड शिप शिप को ऐसे ही मैन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे इश्यूज अफेक्ट करते हैं लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो देखो ऐसे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कंटेंट इज इंपॉर्टेंट बट कंटेंट क्रक्स नहीं है कंटेंट वो है वो आपको जब आप इतना पढ़ लोगे आपको बहुत सारी डायमेंशन में ऐसे ब्रेक करने आ जाएंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओनली कि भाई वो जो वो जो फ्लो है वो बना रहना चाहिए ठीक है फ्लो बनना रहना चाहिए दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ऐसे अगर फ्लो बना हुआ है चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एक परस्पेक्टिव से क्लियर हो रही हैं जैसे ये लेक्चर है तो लेक्चर में यहां तक मुझे लगा फ्लो था लेकिन जब लिखा जाता है तो उसमें फ्लो दिखना चाहिए वो चीज़ अलग हो जाती है क्योंकि बोलने में वॉट आई कैन डू मैं इम्फिसाइज करके बहुत क्लैरिटी से कर सकता हूँ लेकिन वहाँ पे चाहिए राइटिंग स्किल्स टू डू दिस थिंग बोलने में तो आप वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हो लेकिन वहाँ पे आपको अपनी स्किल्स को सुधारना पड़ेगा सो दिस इज़ मोर अबाउट कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो कैसे उसका फ्लो जो है वो एग्जामिनर को अच्छा लग रहा है ओके आई होप यू आर गेटिंग इतना ही बताऊँगा अगला वाला मैं बताना चाह रहा था बट ये बहुत बड़ा हो गया है ऐसे वाला पहला वाला तो so अगला आई विल ट्राई टू कवर इन द वीडियो और आई जस्ट वॉन्ट टू नो द काइंड ऑफ Response from you people. So, this is it for the day. Thank you so much.